माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 यूनिट 3 में एक लेमा प्रूव करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेमा है। इफ के इज एन एलजेब्रिक नंबर फील्ड ऑफ डिग्री एन ओवर क्यू, ठीक है, एंड अल्फा रिंग ऑफ इंटीजर्स में से है, किसमें से है, रिंग ऑफ इंटीजर्स में से, इस एक्सटेंशन की, तो हमें प्रूव करना है एन के अल्फा नॉर्म है, इसका मतलब नॉर्म है और इसका मतलब है ट्रेस और इंटीजर्स। इसको हम बहुत ही फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे प्रूफ। गिवन है हमें, गिवन दैट अल्फा इज एन एल्जेब्रिक इंटीजर ऑफ के ओवर क्यू, दिस मीन्स अल्फा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स एंड देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल और हुज कोफिशिएंट इज इंटीजर्स सच दैट एफ अल्फा इक्वल टू जीरो, ठीक है, एफ अल्फा इज जीरो, देयर एग्जिस्ट ए मिनिमल पॉलिनोमियल सच दैट उसके सारे कोफिशिएंट क्या होंगे, इंटीजर होंगे, अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा। ये कैसे कैसी है एफ एक्स इज मोनिक मिनिमल थर्ड इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। मिनिमल मोनिक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। हमें दे रखा है के इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ क्यू जिसकी डिग्री कितनी है जी, एन, तो ये कितनी हो गई जी, एन। अब हम ले रहे हैं डब्लू वन, इसका एक बेसिस ले रहे हैं डब्लू वन डब्लू टू डब्लू एन बी ए क्यू बेसिस फॉर के। क्यू बेसिस का मतलब जब हम उसको लीनियर कम्बिनेशन लिखेंगे के की किसी एलिमेंट को तो जो कोफिशियंट यूज होंगे दे आर फ्रॉम क्यू। नाउ कंसीडर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाई अल्फा From k to k, such that phi alpha x is equal to alpha x for all x belongs to k. ये हम एक लीनियर ऑपरेटर ले रहे हैं। ये लीनियर ऑपरेटर हमें क्या फायदा देगा, देखिए, यदि हम w1 रखते हैं इसमें तो हमारा आंसर आएगा जी अल्फा w1, जो इस सेट का एलिमेंट होगा k का, तो इनका क्या लिखा जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन, हम इसको लिखेंगे a11 w1 a12 w2 a1 n wn phi alpha w2 alpha w2 a21 w1 a22 w2 a2 n wn सिमिलरली अल्फा एन डब्लू एन क्या आएगा जी, अल्फा डब्लू एन ए एन वन डब्लू वन
N2W2 AnNWN। तो ये जो सिस्टम है ये इस प्रकार लिखा जाएगा, जहां पर ये सारे AIJ रैशनल है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक ऑटोमॉर्फिज्म ले रहे हैं गैलवा ग्रुप से। इस ऑटोमॉर्फिज्म की क्या खासियत है? ये ऑटोमॉर्फिज्म के से के तक हैं और ये क्यू के सभी एलिमेंट्स को फिक्स रखेंगे, इसीलिए हम इसे के ऑटो क्यू ऑटोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। फिर सुन लीजिए, ठीक है? और आपने ये बताया कि इसकी एक्सटेंशन कितनी थी, एन थी, एंड अल्फा के अल्फा, ये लिखता हूं मैं, ये सिग्मा के अल्फा क्या होगा, यहां पर सिंबल होगा आर कंजुगेट रूट्स ऑफ अल्फा, ठीक है? ओके बेटा, तो हम यहां पर लिखते हैं ये और ये आर एन कंजुगेट रूट्स ऑफ अल्फा हैं। एन हमने स्टार्टिंग में जो एक्सटेंशन थी उसको देख के लिखा है। अब ये जो इक्वेशन नंबर एक है इसके ऊपर आ जाओ, इसके ऊपर ये अल्फा के नाम की ऑटोमॉर्फिज्म लगाओ बोथ साइड, ठीक है? अब देखिए, क्योंकि ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है फील्ड के से फील्ड के तक, तो रिंग ऑटोमॉर्फिज्म कितनी बिहेव करेगी, ये अंदर जाएगी, देखो पहले इसके ऊपर लगेगी, और एक जो प्रॉपर्टी हमने करी थी उस प्रॉपर्टी का यहां यूज होना है कि क्यू के एलिमेंट्स को यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे आर फिक्स। तो ये दोबारा से सेम आ जाएंगे, ठीक है? अब हम थोड़ी देर के लिए केवल इस राइट हैंड साइड को कंसीडर कर रहे हैं, इसका रूप बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका रूप कैसा बनेगा। आपको फिलहाल बताऊं ये जो एलिमेंट है ये कौन सा है, ये डिपेंड करता है आई और के पर। ये जो एलिमेंट है ना फिलहाल आई और के पर डिपेंड करता है, यदि हम आई और के की वैल्यू को चेंज करें तो यहां पर हम कितनी इक्वेशनें बना सकते हैं। सुनिए बेटा, मैंने कहा आई और के की वैल्यू को चेंज करते हैं, यदि आई की वैल्यू भी 1 to n हम मूव करते हैं एंड के की वैल्यू भी हम 1 to n मूव करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये टोटल n स्क्वायर इक्वेशन बनेगी बेटा। पहली इक्वेशन लिख रहे हैं जब आई भी 1 हो और के भी 1, इक्वेशन क्या बनेगी, ए 11 1 ए 12 2
a1 n sigma 1 w n. यदि i1 k2 होता तो क्या होता है? i अभी 1 है, k2 a देखो अभी भी बनेगा, यहां 11 आएगा, यहां 12 आएगा, यहां क्या आएगा जी, 2 टू एन वन एन ए टू वन एन, ठीक है। ये सिस्टम चलते चलते पहली बार आप के एन लिख लो, क्या आएगा, ए 11 सिग्मा एन डब्लू वन, ए 12 सिग्मा एन डब्लू टू, ए 1 एन सिग्मा एन डब्लू एन। ये जो चीज आपने आई इज इक्वल टू 1 के लिए की, सेम रिपीटेशन आई इक्वल टू 2, 3 और आई इक्वल टू एन के लिए होगा सेम। अब इससे क्या बनने वाला है, इसको मैं आपको एक रूप में लिख के दिखा रहा हूं। ए 11 ए 11 ए 12 ए 13 ए 1 एन, फिर ए 21 ए 22 ए 23 ए 24 ए 2 एन, ए एन 1 ए एन 2 ए एन 3 ए एन एन। इस मैट्रिक्स की हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये यहां दिस, ये अगला सिग्मा 1 डब्ल्यू, इसकी गुणा इसके साथ 11वें नंबर पर आएगी यानी कि ए 11, इसकी गुणा अगले के साथ 12वें नंबर पर आएगी A2 दे सिग्मा 2, फिर लास्ट में सिग्मा एन डब्लू 1 सिग्मा एन डब्लू 2 सिग्मा एन डब्लू एन। तो ये हमारी ये जो है ना n स्क्वायर इक्वेशन इस प्रकार बनेगी। बड़े मैं इसको लॉजिकल तरीके से बताता हूं, ये एक्चुअली में क्या है हमारा, ये क्या है, आई के एथ एंट्री है किसके अंदर भाई, इस मैट्रिक्स को ए बोलें और इसको एस बोलें, इस मैट्रिक्स के अंदर इसको हम ए बोल रहे हैं और एस, ये मैं बता दूं सिंपल प्रोडक्ट अभी फिलहाल, दिस इज स्टिल ए सिंपल प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, जैसे राइट एंड में आपने कितनी इक्वेशनें बनाई, हमने राइट एंड में इक्वेशनें बनाई एन स्केयर, अब लेफ्ट एंड में भी एन स्केयर बनानी है कैसे, मैंने आपको बताया था ये कौन सी एंट्री है, आई के एथ एंट्री है, इस बात को बड़ा ध्यान रखना है, दिस इज आई के एथ एंट्री, आई के कहां से आई, यहां से आई, अभी आपने बताया है ये देख लो, ए दोनों 1-1 की प्रोडक्ट, फिर 1-2 वाली ये लाइन इसकी और इसकी मदद से आई थी, ये आई के पॉइंट है। अब देखो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, ए 1-1 नेक्स्ट, अगला यहां पर 12 आना है, 12 का मतलब वन, ये 1 ये 2, ये यहां पर सॉरी के है, देखो आपके यहां कहां गया, ये भी के था, ये 1 ये आपका आएगा जी 1,
ठीक है, लास्ट लाइन देखो भाई, ये 12वीं 11वीं 12वीं और ये 1n, ये n और ये 1, ये 21वीं, ये 22वीं और ये 2nth पोजीशन। ठीक है बेटा, तो ये वाली अल्फा, ये डब्ल्यू एन, लास्ट में चलते चलते जैसे हमने इस ऊपर वाली को प्रोडक्ट बदला था, इसको भी प्रोडक्ट में बदलना। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ वी कैन डिवाइड दिस इनटू प्रोडक्ट। एक हम इसको प्रोडक्ट में एक सिंबल लिख रहे हैं, ए नोट। ए नोट यहां पर एक डायगोनल मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स की गुणा एस की गुणा इसके साथ करनी है। देखिए ये एस है, यदि मैं इस लाइन की गुणा, ये पहला एलिमेंट क्या है जी, सिग्मा वन डब्ल्यू वन, जो कि यहां आया हुआ, देखो सिग्मा वन डब्ल्यू वन, इस लाइन की गुणा इसके साथ करूंगा तो ये चीज आ जाएगी। अब इसी लाइन की गुणा यदि इसके साथ करता हूं तो सेकंड नंबर वाला आएगा, ये क्या है, ये इस प्रकार ये गुणा इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी। अल्टीमेटली रोल, जो गोल हमारा यहां क्या है, उस गोल पर आ जाओ कि एस ए नोट हमारा ए एस के इक्वल आ जाएगा, ये तो हमारा गोल है। बट जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उस रिप्रेजेंट करने के तरीके को लिखो। ए नोट को हम लिखते हैं डेल आई के अल्फा आई अल्फा। इसका मतलब क्या है, जब देखो इस डेल का मतलब क्या होता है, ये क्रोनिक, इसका आंसर वन है इफ आई इक्वल टू के, जीरो है इफ आई इज नॉट इक्वल टू के। अब माय डियर स्टूडेंट सुनिए, यदि ये दोनों सेम है, जैसे 11वीं पोजीशन पर लेते हैं, 11वीं पोजीशन पर आंसर ये आएगा, 12वीं पोजीशन पर जाते हैं तो सेम नहीं होंगे, जीरो आ जाएगा। इस प्रकार ये मैट्रिक्स तो इसका रूप हो गई। ठीक है, एस, अब एस की बात करते हैं, और ये जो है ना, इसकी जो ये लिख रहा है, दिस इज इट्स आई के एथ पोजिशन। मैं फिर आपको बता दूं कौन सी पोजिशन है, आई के एथ पोजिशन, मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, बहुत स्थिति ध्यान में लिखनी होती है, ये आई के एथ पोजिशन है। यदि हमें इसकी जे के एथ लेनी है तो ये इसकी जे के एथ पोजिशन होगी। एस, एस कैसे डिफाइन किया था हमने, ये रहा भाई, ये आई को रिप्रेजेंट करता है और ये जे को रिप्रेजेंट करता है, ये आई और ये नीचे वाला जो वर्ड है, जैसे ये देखो ये कौन सा है, ए सॉरी ये मैं बता रहा हूं, ये ए इक्कीसवां है। तो एस के अंदर हम जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आई जी एथ एंट्री है,
ठीक है, ये है इसकी आई जी थ्योरी। ए ए आई जे, ये इसकी आई जे पोजीशन है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन मेथड है। ओके, अब जो ये इक्वेशन थी आपकी, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैं इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं। क्योंकि ये जो फैक्टर है एस ए नोट, देखो ये एस जो है आई जेथ पोजीशन है, ये जेथ आई पोजीशन है, तो प्रोडक्ट करोगे तो जे इक्वल टू वन टू एन चलेगी, इसकी और इसकी प्रोडक्ट होनी चाहिए, जिसको कि आप शॉर्टकट में ये लिख सकते हो। और दूसरी बात, उधर से लेते हैं हम तो जे इक्वल टू वन टू एन, ए आई जे ये इसकी आई जी एथ पोजिशन। अब बच्चों यहां पर इसकी आपको क्या चाहिए, जे के एथ पोजिशन चाहिए जी, जे के एथ, यहां तो आएगा जे और यहां आएगा जी के, ये कौन सी पोजिशन है आई जी एथ और ये कौन सी है जे के एथ, तभी प्रोडक्ट संभव है। बिल्कुल डिटो सेम आ गया आपका। आप देखोगे जर्नली बुक्स में कि आपको इसके बाद इसके बाद सीधा ये लिखा मिलेगा, परफेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये ए नोट मान लिया, ये एस मान लिया, ये ए मान लिया, एंड वी गेट दिस थिंग। तो यहां से आ जाएगा ए नोट इज इक्वल टू एस इनवर्स ए एस। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर आ गए हैं, जो कि लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नोट क्या होगा, इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होगा। और बात सुन लीजिए, और वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, इन सब की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और इसे हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे भाई, नॉर्म।